व्हाट? लियाना का बर्थडे है? अरे ऑफ कोर्स लियाना का बर्थडे है, आपकी मेरी सबकी फेवरेट लियाना का सेकंड बर्थडे है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उस बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट कम हो? सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसका जो एक फोटोशूट है, इनवाइट का फोटोशूट, वो हो गया है। और हम लोगों ने जुहू बीच में फ़ोटोशूट किया, जो ऑब्वियसली आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो से पहले तो मैं वो डाल ही दूंगी। गुरु नहीं था तो उसको नहीं पता, लेकिन इसके आगे जो भी और प्रिपरेशन हो रहा है उन सब में गुरु के साथ साथ मैं आप लोग को अपडेट कर देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है। मेरा जो भी प्रोग्राम्स होता है उसका प्लानिंग मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें भी बहुत खुशी मिलती है। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे सब कुछ खुद करना है। और इन सब कुछ को खुद करने के पीछे मुझे मदद करती है मेरी टीम की मेंबर जीविता। सबसे प्रथम जीविता ऑन द वे है, और जीविता के साथ ही अभी बाकी सारी चीज़ें मैं जब प्लान करूँगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो ये सब कुछ करके आज हम लोग आपके सामने ही सारी चीज़ें ऑर्डर देंगे, और क्योंकि हम सबको खुद करना होता है। और वैसे मैं लियाना को स्कूल से पिक करने जा रही हूँ, एंड बिफोर एनीथिंग एल्स आई एम श्योर यू नो कि इस बार का बर्थडे पार्टी का थीम है मरमेड। सो लिटिल मरमेड को लेके हम लोग चलेंगे लोकेशन, तो थोड़ा सा लोकेशन का रेकी करेंगे। वैसे एक बार हम लोग देख चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। इधर ही लाके फोटो खींच सकते हैं। तो घोड़े को अगर इस ट्रैक से अगर घोड़ा जाए तो लेगा। तो जो बोट इतना से हो गया, बाउंसी कैसल इधर हो गया, वो बॉल उधर हो गया, टॉय ट्रेन इधर हो गया। फाइनली एंड मोमेंट में आज रोमांच चाचू, लोग पूछते हैं चाचू है कि मामू है? माचू। माचू है, एग्जैक्टली। अब माचू साउंड सो बैड, इसने बोला इसलिए चाचू ठीक है, लेकिन चाचू बोलो मामू बोलो एक ही बात है। एग्जैक्टली, फर्क नहीं पड़ता। रोमांच मामू और रोमांच माचू आए हैं, यू नो, गहरी डिस्कशन करने, यू नो, पैसों वाली डिस्कशन करने। पर हम लोग यहाँ पे ये सारी डिस्कशन पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर हम अंदर जाएंगे। कुछ बलून या कुछ भी अगर ऐसे, मतलब एक थोड़ा सा एक वाइब देगा वो। नाउ वहाँ पे दूर पे करते हैं, ट्रेन लाइन सबसे सामने करते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे छोटे छोटे बच्चों से शुरू करते हैं, जो इतना लंबा नहीं ट्रैवल करेंगे, और उसको ट्रेन में सामने सामने करा देंगे। फिर थोड़े बड़े बच्चे क्या कर सकते हैं, फिर और बड़े बच्चे बाउंसी कैसे, सबसे बड़े बड़े बच्चे, वो बड़ा बड़ा जो दो है वो दोनों बड़े बड़े पीछे लगा देंगे। जगह कितना विशाल है, इसमें कितना चीज़ भरना पड़ेगा तब जाके ये भरा भरा लगेगा। सेकेंड टाइम जाएंगे कि दिमाग में जो भी प्लानिंग है वो मतलब वो लोकेशन देखने के बाद और भी दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, तो वो आइडियाज़ को हम वर्चुअली बिठा के देखेंगे कि कैसा लग रहा है, हमारे दिमाग में विजुअल एकदम कंप्लीट कर देंगे। एंड ऑब्वियसली जिस दिन है लियाना का बर्थडे उस दिन ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होते हुए भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बट एज ऑफ नाउ मिशन पिकअप लियाना फ्रॉम स्कूल। वैसे लियाना का अभी लास्ट वीक ऑफ स्कूल है, तो देखा जाए देखते देखते एक साल कंप्लीट हो गया। और इन सब में बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि दिविशा बड़ी हो गई है, उसको क्यों नहीं स्कूल में डाल रहे हो। आप लोगों को पता है कि स्कूल जाने का ना एक टाइम होता है, तो जब सेशन स्टार्ट होगा इस साल का, लियाना पिछले साल गई थी याद है आप लोगों को, इस साल का जब सेशन स्टार्ट होगा तब दिविशा जाएंगी एंड पिकअप लियाना। A few moments later.
यहू सलियाना आ गई गाड़ी में। किसका बर्थडे है लियाना? बोलो मेरा। अरे किसका बर्थडे लियाना? हाँ, और तुम्हारा बर्थडे थीम क्या है? वो क्या बन रहा हो बर्थडे पे? मरमेड। क्या बन रहा? बोलो क्या बन रहा? सलियाना इज बिकमिंग अ मरमेड। दादी का नाम क्या है? अमोल। हाँ, और बोलो स्टार। अच्छा, आप बोलो पास्ता। पास्ता। आप बोलो बस। बस। मून। मून। और बोलो गो। गो। और बोलो हटो हटो यहाँ से। ऑटो। ऑटो। और बोलो ऑटो। ऑटो। लियाना, दिस इज द कैमरा एंड यू आर टॉकिंग टू द कैमरा। इधर अपना फेस देखो और बात करो कैमरा से। बात करो। क्या बात कर रहे हो कैमरा से? फिंगर रख कैसे दोगे? बात करो, बोलो हेलो एवरीबॉडी। बोलो बोलो कम टू माय बर्थडे। स्टार दिखाओ, सबको दिखाओ स्टार, ऐसे स्टार। वेलकम टू माय बर्थडे ऑन 3rd April। हाउ ओल्ड आर यू बिकमिंग? अमोई। हाउ ओल्ड? हाउ ओल्ड? ओल्ड। हाउ ओल्ड आर यू बिकमिंग? टू। हाँ, टू। मामा। हाँ। माँ। बोल दो। कैमरा। ओके, बोलो बाय। बाय। सी यू। Well, see you. See you. See you. Hello guys. मुझे यहाँ पे दबीरा ने इतनी जल्दी 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 बुलाया, देखो मैं कैसे आ गई जल्दी जल्दी में, और खुद वो 150,000 काम लेके बैठे हैं। देख क्या काम करी वो तो बताओ। सो टेक्निकली ये पिछले एक या दो हफ्ते से हो रहा है, तार दबीना को अलग अलग मतलब अननोन नंबर से भरपूर कॉल आ रहा है, एंड हम लोग वो बेचारे फ़ोन उठाते हैं, हम भी उठाते हैं कि वो परेशान हो गई है, तो वो लोग कहते हैं कि आपके नंबर से हमें मिस कॉल आया। मतलब दिस इज़ लाइक द पंच लाइन कि आपके नंबर से हमें मिस कॉल आया था, हमने मिस कर दिया, और अलग अलग नंबर से आ रहा है। हमने जियो को भी कॉल किया कस्टमर केयर, बट दे सेड दैट दे कैन नॉट हेल्प अस इन दिस। और मैं परेशान हो रही हूँ, ये कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स आप हो रहे हो और हम सबको भी कर रहे हो। लास्ट में मैं ऐसे बात कर रही हूँ, अभी मैं साउथ इंडियन बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निक करूँगा, वो भी मुझे साउथ इंडियन में जवाब दे रहा है। मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा है कि पूरे देश से ऐसे उठपटांग अभी काम करे कि ये मैं ये करूँ। गाइज लाइक दिस इज सीरियस, मैं क्या करूँ? नाउ आई हैव टू गो। मैंने गुरु को बोला है हम लोग हो सकता है बहुत जल्दी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कंप्लेन करें और होपफुली इसका एक हल निकले, बिकॉज मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं लास्ट आधे घंटे से कॉल आ रहा है तो मैं नहीं उठा रही हूँ गुस्से में, अभी मैंने फाइनली उठाया। मैंने सोचा कि मतलब इतने बार कौन कॉल कर सकता है एक ही नंबर से, तो बोला मैं पोस्टमैन बोल रहा हूँ। देखो इस तरीके से कितने कॉल्स मिस होते हैं ना। दिस इज़ द मेन थिंग दैट हम सब आए अभी लियाना का बर्थडे डिस्कस करने। टेक्निकली देर इज़ हार्डली एनी डेज लेफ्ट, बट लकीली हमने उसकी पार्टी शिफ्ट कर दी है टू 5th of April, सो वी हैव टाइम इन हैंड। बट इट्स ओ माई गॉड, इट्स एक्चुअली इट्स नो टाइम ऑफ बर्थडे। एग्जैक्टली, वी आर ऑलरेडी 30 एट लाइक मतलब नेक्स्ट फ्राइडे 5 दिन। लियाना के बर्थडे के लिए देयर इज नो इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर भी हम ही हैं, और उसको क्या बोलते हैं इवेंट प्लानर भी हम ही हैं, और इवेंट कॉन्सेप्चुअलाइजर भी हम ही हैं। ऑलमोस्ट मतलब घर पे ही पार्टी कर लेते तो उसके बदले में हम एक जगह पे पार्टी कर रहे हैं। जीवी रात भर बैठ के प्लानिंग करती है,
कहाँ कहाँ से सामान देखती है और मैं भी दिन भर रात भर देखती हूँ और दिन में हम लोग बैठे बैठे उसका ऑर्डर देते हैं। तो आज ऑर्डर में क्या क्या आ गया वो बताओ। ये हमने ये दो आया जो मोमेंट सेट मंगाया था हमने, ये क्या है वो कॉटन है नेट का, उसको कहीं यूज कर लेंगे विद फेरी लाइट्स। अच्छा, और उसके ये पीछे सारे मुझे दिख रहा है वो मोमेंट बलून्स और सब। मोमेंट बर्थडे थी मोमेंट 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 मुझे आपने बोला था नहीं करना, बट फिर ये तो बहुत ही अमेजिंग। ये तो मैं सोच रही थी ये जो मिरर है ना बाहर लॉबी में, उसका एक साइड मिरर में भी डाल देने बलून को। सोचो मैं लोकेशन जाके देख कर आई हूँ, मुझे तो कभी वो मिरर कुछ दिखाई नहीं। अच्छा, ये लॉबी में है तो मैं सोचा एक साइड लॉबी में है। हाँ तो ये यहाँ पे बस इतना डाल दोगे तो वो सेल्फी पॉइंट हो जाएगा, तो ऐसे ही सिंपल लिख दोगे सेल्फी पॉइंट। तो उधर मैंने वो किया, ये भी मैंने देखा बदन आई डोंट नो फ्लोरल, ये मुझे सोचा स्टॉल में ऐसे करूं। पर दिस वुडंट इट लुक टू ऑब्सेस्ड। मतलब व्हाई वुड एनीबॉडी क्लिक पिक्चर्स विद माय डॉटर। मतलब आई मेंट टू से व्हाई वुड एनीबॉडी क्लिक पिक्चर्स विद माय डॉटर। मतलब लोग खींचना चाहेंगे बट यू नो लाइक अ फोटो बूथ में क्यों। हाँ, फोटो बूथ में पीछे मेरी लियाना को गोदी करके खींचे। हाँ, इससे अच्छा लियाना को गोदी करके खींचे, ऐसा एक छोटा सा कटआउट करके वो बारबी बॉक्स था वैसा एक बॉक्सा टाइप का जिसमें लिखा रहेगा लियाना 2, तो उसके अंदर बैठ के लोग ट्रायल करेंगे। वाह, दिस इज आवर स्पेशल अट्रैक्शन। इसमें अट्रैक्शन क्या है बोलिए तो आप लोगों का जवाब का इंतजार रहेगा। क्या है इसमें अट्रैक्शन? बलून ट्री, ये सीन की क्या? ये केक मुझे बहुत ही प्रिटी लगा एंड बिग लगा फॉर मीडिया पीपल। हमारा जो मीडिया केक कटिंग होता है तो कल ये वाला जो केक हमने डिसाइड किया वो हम मीडिया के लिए डिसाइड कर रहे हैं बिकॉज इट हैज़ टू लुक रियली नाइस बिकॉज मीडिया हमारे पैक्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, सो उनको भी कुछ यमी यमी खिलाना है। देन दिस इज द मेन केक ऑप्शन, ये तो बहुत ही अच्छा है। दिस इज नाइस, ये बहुत ही अच्छा नहीं है। ये बड़ों जैसा है। फिर ये है ये तीसरा ऑप्शन, ओके, और फोर्थ ऑप्शन ये है एंड लास्ट ऑप्शन इज दिस। नहीं, हाँ बट इसमें थोड़ा डिजाइन अलग है पर मुझे तो ये अच्छा लगा था। जी भी ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। केक हमारा हो गया तो आपने देख लिया केक क्या हो रहा है। अच्छा, ये तुम बोल रहे थे। हाँ, उसको हमें ये कर सकते हैं ना वो स्टैंडी बना, स्टैंडी ऐसे चौड़ा स्टैंडी होता है। हाँ, चौड़ा बन सकता है तो अभी बनाने दे देते हैं। वाह, आप लोग को लग रहा है ना मतलब मैं सब कुछ दिखा रही हूँ तो आई एम लाइक गिविंग अवे, बट यू नो कभी कभी दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। हाँ, ये तो डेफिनेटली होगा गाइस। दूसरी बात है जो हम देख रहे हैं वो फाइनली सामने क्या बन के आया वो भी। वाह, ये भी ऑप्शन है तो दिस इज आल्सो ग्रेट ऑप्शन। बलून बलून अगर हमें ये नहीं बना सो अमेजिंग। ये देखो डीजे डीजे वाले बाबू बोट पे बैठा रहेगा। ये मैं बोल रही थी अगर कोई ब्यूटी ब्रांड आता है तो ब्यूटी बार हम कर सकते हैं। ये पहले हमारा ड्रेस था, अभी का जो ड्रेस है वो मैं आपको बताती हूँ डाल लेंगे। ओ, और मैं बेबीज का मैंने खरीद लिया है अमेजोन में मिल गया मुझे। दिखाऊँ? दिखाती हूँ। तो हमने सोचा था आज मैं लोकेशन में जाऊंगी और थोड़ा सा लोकेशन वोकेशन सब डिस्कस कर लेते हैं और ऑडियंस को भी दिखा देते हैं कि कैसा लग सकता है। लियाना का बर्थडे आ रहा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे। बाय।